हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी बस गुवाहाटी। मैं मंजीत। आज आप लोग के मेरे वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि दी 20 मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब इन द वर्ल्ड। सो हर किसी का जिंदगी में थोड़ा ना थोड़ा स्ट्रेस लेता है। हम लोग किसी भी काम करते हैं तो उसका जॉब स्ट्रेस होता है। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किसका जॉब में कितना स्ट्रेस होता है। सो नंबर 20 पे आता है स्पोर्ट्स रेफरी। स्पोर्ट्स रेफरी जो होता है उनको दोनों टीम के बीच सही रॉन्ग का फैसला करना पड़ता है। उनका डिसीजन ही अच्छा डिसीजन होना चाहिए, जो कि मतलब दूसरा टीम के मतलब प्रॉब्लम ना हो। सो नंबर 19 पे आता है टीचर। जो टीचर होता है ये लोग हम लोग का करियर का जो बिल्डअप में उनका फर्स्ट भूमिका रहता है। सो टीचर जो होता है हम लोग का हमेशा अच्छा शिक्षा देने के लिए हम लोग को उनको स्ट्रेस लेना पड़ता है। हमेशा उनको हम लोग से एक दो कदम आगे चल के हमको सही से सिखाना पड़ता है। सो टीचर जो होता है उनका 19 नंबर में गिना जाता है। नंबर 18 में है टेलीफोन ऑपरेटर। जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है उन लोग का भी स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि अगला जो कॉल कर रहा है उनका क्या क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन भी होगा उनका आंसर हमेशा हमारे जो टेलीफोन ऑपरेटर होता है उनका पास रहना पड़ता है, जो कि हमको सही से आंसर देना पड़ता है और उसका बारे में मतलब पूरा ज्ञान होना चाहिए कि जो भी पूछा जा रहा है, जिस भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर सही हो, उनको अच्छा से उनको बताया जाए। नंबर 17 पे है मेंटल हेल्थ काउंसलर। सो मेंटल हेल्थ काउंसलर जो होता है वो एक जो इलाज कर रहा है, जो उनका पेशेंट है उनका दिमागी हालत को जानना बहुत जरूरी होता है। उनको दिमागी हालत उसको ठीक करने के लिए उनके पास फिजिकली मेंटली प्रिपरेशन होना पड़ता है। उनको सही से उनको ट्रीटमेंट करने के लिए उनको हमेशा बहुत सारा स्ट्रेस लेना पड़ता है जॉब में। सो इसलिए उनका स्ट्रेसफुल जॉब में बहुत सारा होता है। इसका बाद नेक्स्ट आता है आपका सोशल वर्कर। इन लोग का भी स्ट्रेस होता है, जॉब का स्ट्रेस होता है, क्योंकि सोशल वर्कर भी हम लोग का एक स्ट्रेस लेवल होता है। नेक्स्ट आता है 15 नंबर पे आईटी मैनेजर। जो आईटी मैनेजर होता है उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत सारा होता है। दिमाग में हमेशा स्ट्रेस रहता है, क्योंकि एक टेक्निकल डिफॉल्ट कंपनी का बहुत सारा लॉस होता है, इसीलिए उनको हमेशा एक कदम आगे चलना पड़ता है। नंबर 14 में है पेंडेमिक। जो सिचुएशन में हम लोग को जो भी हम लोग को लिए रेडी रहता है पेंडेमिक सिचुएशन के लिए, जो भी वर्कर रहता है उनका भी जॉब स्ट्रेस ज़्यादा होता है। वो हर सिचुएशन के लिए अपना हमेशा रेडी रहना पड़ता है जो भी। नेक्स्ट आता है नंबर 13 में बारटेंडर। बारटेंडर भी एक तरह का जॉब है जिसमें स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रंक करने के बाद जो पर्सन का दिमागी हालत को मतलब सही से उनको कंट्रोल करना, ये भी एक बारटेंडर के लिए स्ट्रेस लेवल होता है, क्योंकि उनको ड्रिंक के बाद उनको सही से उनके साथ बिहेव करना। नंबर 12 में है लॉयर। लॉयर का भी स्ट्रेसफुल जॉब होता है, नंबर 12 में गिना जाता है, क्योंकि उनको हमेशा डील करना पड़ता है क्लाइंट के साथ, क्लाइंट के हर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। नंबर 11 में है सर्जन। सर्जन भी एक तरह का बहुत सारा स्ट्रेसफुल जॉब होता है। नंबर 10 में है टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर जो होता है उनको भी हमेशा दिमाग अपना सही से रास्ते पे मॉनिटर करके गाड़ी को आगे लेके जाना पड़ता है, इसीलिए उनका दिमाग स्ट्रेस से भरा रहता है। नंबर 19 है सीनियर कॉरपोरेट ऑफिसर। जो सीनियर कॉरपोरेट ऑफिसर होता है उनको भी डील करना पड़ता है बहुत सारा क्लाइंट के साथ, उनको नया प्लान के बारे में, नया प्रोजेक्ट के बारे में हमेशा कुछ डिस्कशन करने के लिए हमेशा मतलब प्रिपरेशन होना पड़ता है और स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है इनका भी। और नेक्स्ट है पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव। ये भी नेक्स्ट हम लोग का जो एग्जीक्यूटिव है पब्लिक रिलेशन एग्जीक्यूटिव, उनको भी सेम स्ट्रेस लेना पड़ता है। और नंबर 7 में देखा जाए तो ब्रॉडकास्टर है। ब्रॉडकास्टर का स्ट्रेस लेवल बहुत सारा बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इनको जो भी ब्रॉडकास्टिंग के लिए प्रिपरेशन होना पड़ता है, एक भी टेक्निकल फॉल्ट प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि इनका ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइव जो होता है लाइव में कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं आना चाहिए, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमेशा इसका दिमाग सही से चलना चाहिए, इसीलिए इसका मेंटल प्रेशर बहुत सारा रहता है। बहुत सारा प्रोग्राम के लिए लाइव से
जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए, उनको ब्रॉडकास्टिंग के लिए सही हो, एक भी फॉल्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए इनका स्ट्रेस लेवल नंबर 7 में गिना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6 पे है रिपोर्टर। जो रिपोर्टर हम लोग जो न्यूज़ देखते हैं, वो न्यूज़ हम लोग टीवी में लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, उनका भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग हर सिचुएशन में, बारिश हो या धूप हो या जो भी हो, जंग हो, कहीं पे भी वो लोग मतलब रिपोर्ट करके अपना न्यूज़ अच्छे से हम लोग के पास पहुंचाता है। तो इनका जॉब स्ट्रेस बहुत सारा ज़्यादा होता है। इनको हमेशा बहुत सारा तकलीफ के बीच से जाके हम लोग को ये न्यूज़ अच्छे से मिलता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का जो स्ट्रेस लेवल नंबर 5 में है, इवेंट कोऑर्डिनेटर। जो हम लोग का कुछ बड़ा सा इवेंट हो, उसके लिए जो कोऑर्डिनेटर रहता है, उसका स्ट्रेस लेवल बहुत सारा होता है, क्योंकि एक इवेंट में कोई भी एक फॉल्ट के वजह से मतलब सारा प्रोग्राम ही खराब हो सकता है। इसीलिए हमेशा उनको सही से प्लानिंग करना पड़ता है, कुछ भी गड़बड़ी ना हो, इसीलिए उनको जॉब स्ट्रेस बहुत सारा लेना पड़ता है। किसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है। वो लोग हमेशा आगे आगे नेक्स्ट 4 नंबर में है पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर होता है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, नंबर 4 पे है। इसलिए वो लोग हमेशा जो चोर डकैत मतलब हर मुश्किल सिचुएशन सामना करना पड़ता है, भागना पड़ता है। इनके लिए इनका जॉब स्ट्रेस बहुत सारा ज़्यादा होता है। इसीलिए नंबर 4 पे हम लोग गिना जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर का जॉब स्ट्रेस लेवल नंबर 4 पे आता है। नंबर 3rd पे हम देखा जाए तो एयरलाइन जो पायलट होता है, उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को तो नीचे ग्राउंड में कहीं भी हम लोग स्ट्रेस लेवल अपना जितना भी हो, हम लोग को कंट्रोल करने का मौका मिलता है। लेकिन हवा में एक प्लेन उड़ाना इतना मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनका कितना दिमाग फास्ट चलना चाहिए। प्लेन के एयरक्राफ्ट के एक कदम आगे चलना पड़ता है उनको। नंबर 2nd में है फायर फाइटर। फायर फाइटर जो होता है, कहीं भी मतलब जरूरी कालीन सिचुएशन में उनको हमेशा रेडी रहना पड़ता है। हर सिचुएशन में, हर टाइम पे उनको मुश्किल से उनको सामना पड़ता करना पड़ता है। आग कितना तेज है, क्या है, उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो लोग मतलब अपना काम के लिए पीछे नहीं हटते। वो लोग अपना काम सही से करने के लिए हमेशा हम लोग से मतलब सेफ्टी के लिए वो लोग आगे चलते हैं। नंबर 1 में है मिलिट्री पर्सनल। जो मिलिट्री पर्सनल है, वो लोग हमेशा बॉर्डर पे हो या जो भी हर मुश्किल के लिए वो लोग रेडी रहता है। उनका स्ट्रेस लेवल इसीलिए नंबर 1 में गिना जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर में हम लोग सिक्योरिटी के लिए उनको गर्मी के मौसम हो या ठंडे के मौसम हो, हमेशा उनको तैनात रहना पड़ता है। और हर मुश्किल सामने के मुश्किल हर मुश्किल काम के लिए वो लोग को मतलब रेडी रहना पड़ता है। हम लोग का सेफ्टी के लिए वो हमेशा रेडी रहता है। इसके लिए उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना है। खाना पीना सोना उनका टाइमली नहीं होता है, जो भी जैसे ड्यूटी असाइन किया जाए उनको रेडी रहना पड़ता है। इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब में नंबर 1 में है आर्मी ऑफिशियल। 2020 के अकॉर्डिंग जो सर्वे के रिपोर्ट अनुसार, ये जॉब सबसे स्ट्रेसफुल जॉब होता है। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट में इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, ऐसे जाने जो आप नहीं जानते उसका वीडियो में, नेक्स्ट आपका नॉलेज के लिए मैं कुछ अच्छा वीडियो बनाऊँगा। आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।